हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मैजिकल एंटी एजिंग फेशियल। और ये आप घर पर ही कुछ चीज़ों से मिलाकर बना सकते हैं। तो ये आपको अराउंड 30 और 40 रुपीज़ पड़ जाएगा, तो बहुत ही सस्ता फेशियल है। और आपको किसी भी चीज़ का वेट भी नहीं करना है, आपको घर की ही कुछ चीज़ों से मिलाकर इसे बना लेना है। कैसे बनाना है देखेंगे हम आगे के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड राइस, और राइसेस को हमें थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कर लेना है जिससे ये सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हमें एक ब्लेंडर की हेल्प से तैयार कर लेना है एक फ़ाइन पेस्ट। और पेस्ट को इस तरह की कंसिस्टेंसी देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर। आपको नॉर्मल वाटर इसमें ऐड नहीं करना है, रोज़ वाटर ऐड करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह की लिक्विडी फॉर्म में इसको आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद हम बनाएंगे क्रीम। ये फेशियल बहुत ही अच्छा फेशियल है, आप इसे वन टाइम ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपको फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद चाहिए हमें मलाई, तो लगभग मैंने एक चम्मच मलाई ले रखी है। और उसके बाद चाहिए हमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट हमें ऑयल यूज़ करना है इसमें, क्योंकि इसमें होता है विटामिन ई। अगर आपके पास नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लिए हैं मैंने दो जेल, एक है पपाया जेल एंड सेकंड है एलोवेरा जेल। तो आपको इन दोनों में से एक जेल यूज़ करना है, जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको मिक्स करने के लिए लिया है मैंने एक कंटेनर। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम बना के रखना है क्योंकि मैं नहाने से लगभग एक घंटे पहले इसको लगा लेती हूँ और उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ। तो अगर आपको इस तरह से यूज़ करना है तो आप ज़्यादा क्रीम बना के किसी कंटेनर में रख सकते हैं। लगभग 1 वीक तक ये चल सकता है, तो आप फ्रिज में डाल के इसको रख सकते हैं। और अगर आपको केवल फेशियल के लिए बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है। तो मैंने जो पेस्ट तैयार किया था राइसेस से, वो देख सकते हैं, आपको मैंने जार में डाल लिया है। और उसके बाद मैंने लगभग आधा चम्मच मलाई ले लिया है। और उसके बाद हम ले लेंगे 5 to 10 ड्रॉप कोकोनट ऑयल। और आप अपनी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी इसे रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है लगभग 1 teaspoon पपाया जेल, क्योंकि पपाया जेल में एंटी एजिंग बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। और सारी ही चीज़ों को अब हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेस्ट बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, आपका क्रीम बहुत ही अच्छा क्रीम तैयार हो चुका है बहुत ही कम पैसे में। और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, डीपली हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को यूथफुल रखता है, ब्राइटन अप करता है, टैनिंग को रिमूव करता है। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। और अब हम बनाएंगे स्क्रब। तो स्क्रब के लिए लिया है मैंने राइस फ्लोर। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो राइसेस हैं आप उनको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लें। और उसके बाद लगभग मैंने आधा चम्मच लिया है हनी। और उसके बाद जो मैंने राइसेस का पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो इसका मुझे, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लेना है। ना तो बहुत ही लिक्विडी रखना है और ना ही थिक रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में इसको आपको तैयार कर लेना है जिससे आप स्क्रबिंग अच्छे से करें। और इसको लगभग आपको 10 मिनट पहले तैयार करके रख लेना है जिससे जो राइस फ्लोर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं रहेगा। तो स्क्रब हो चुका है तैयार, आप देख सकते हो। और क्रीम और स्क्रब हम तैयार कर चुके हैं, अब हम तैयार करेंगे फेस मास्क। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ग्राम फ्लोर, और इसको हम बोलते हैं बेसन। तो आपको ये लगभग 2 चम्मच या 3 चम्मच ले लेना है। और उसके बाद मैंने लिया है 2 से 2.5 चम्मच। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 teaspoon हनी। और उसके बाद मैंने राइस का जो पेस्ट था वो इसमें ऐड कर लेना है। सारी चीज़ों में हमें इस पेस्ट को ही तैयार मींस मिक्स करना है जिससे राइस के सारे ही गुण हमारी स्किन को अच्छे से मिल पाएँ। तो इसका हम एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे जिसको हम इजीली अपने फेस पर अप्लाई कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है अपने फेस मास्क की। तो फेस मास्क भी हो चुका है हमारा तैयार। तो फेशियल के लिए सारी चीज़ें हम तैयार कर चुके हैं, बट हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी टोनर की। और टोनर पहले ही मैं आप लोगों का शेयर कर चुकी हूँ, अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो फेशियल हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करनी है अपनी फेस की क्लीजिंग। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फेस वॉश कर लें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल से क्लीजिंग करें। इससे क्लीजिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं क्लीजिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल का। आप देख सकते हैं स्किन पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा और स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी।
सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। तो हमने लिया है हमारा स्क्रब जो हमने राइस फ्लोर से बनाया था, और इसको हम फुल फेस पर अप्लाई कर लेंगे और फिर जेंटली मसाज देंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूँगी अपने नोज़ पर, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपके जो भी इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं आप उन पर जेंटली अच्छे से मसाज दें, जिससे आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। और धीरे धीरे मसाज करने से, मीन्स स्क्रबिंग करने से, आपकी जो भी डेड स्किन होती है, आपकी स्किन में जो भी टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। तो आपको अराउंड 5 मिनट स्क्रबिंग करनी है अपने फेस पर, बट बहुत ही जेंटली करनी है, बिल्कुल भी रब नहीं करना है आपको फेस को। अब आप देख सकते हैं फेस पर कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। अभी तो हमने केवल सेकंड स्टेप ही फॉलो किया है, और ब्लैक हेड वाइट हेड्स बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है ये स्क्रब। और अब हम करेंगे मसाज, क्रीम मसाज। तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम जिसे हमने तैयार किया था, और ये क्रीम फुल फेस पर आप अप्लाई करके अप टू 10 और 15 मिनट्स तक आपको मसाज करनी है, धीरे धीरे मसाज करना है। मैंने आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही जल्दी जल्दी अपने फेस को रब कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ही जेंटली मसाज किया है अपने फेस पर, बट मैंने स्पीड अप कर दिया है वीडियो को, इसलिए आपको लग रहा है, तो ऐसा फील हो रहा होगा आपको मैं बहुत ही जल्दी जल्दी से मसाज कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही जेंटली मसाज करनी है अपने फेस को। अगर आपको फेस मसाज करनी नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते रहें अपने फेस के सारे एरियाज़ की। मैं अपने आई एरियाज़ को भी हल्के से मसाज दूंगी, और अगर आप अपने आई एरियाज़ पर मसाज कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली करें, अदरवाइज़ रिंकल प्रॉब्लम होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और फेस वॉश कर लिया है मैंने, अब आप देख सकते हैं कितना नेचुरल सा ग्लो आ गया है, फेस कितना टाइटन अप लग रहा है। और फिर मैं अप्लाई कर लूँगी फेस मास्क जो हमने तैयार किया था ग्राम फ्लोर से। तो इसको आपको फुल फेस पर अप्लाई कर लेना है, आपको अपने नेक पर भी अप्लाई कर लेना है। मैंने नेक पर अप्लाई नहीं किया है, बट आपको सारे ही स्टेप अपने नेक पर भी फॉलो करने हैं। और इस फेस मास्क को अप्लाई करने के बाद इसे आपको छोड़ देना है 15 to 20 मिनट्स तक, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर इसको निकालते समय आपको हल्के हाथ से इसे रब करना है, रब करते हुए इसे निकालना है, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। वो स्टेप मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, तो ये वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। मैंने अपने हैंड पर भी इस फेस मास्क को अप्लाई कर लिया था, और फेस वॉश करके मैं आ चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है इस फेशियल का। और अब हम अप्लाई करेंगे शीट मास्क। शीट मास्क को तैयार करने के लिए हमें चाहिए राइस पेस्ट जो हमने पहले ही तैयार किया था, और वो हमें लगभग 1 टीस्पून चाहिए। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो मेरा टोनर है वो, और टोनर में बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं तो हमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और टोनर मैंने आप लोगों का शेयर किया हुआ है लास्ट वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाके देख लें, ये बहुत ही अच्छा वाला टोनर है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार कर लेनी है। उसके बाद मेरे पास है शीट मास्क जिसे मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं इस तरह से उसमें डिप कर लेना है, मीन्स जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें अच्छे से डिप कर लेना है इसको, और फिर अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अगर इस तरह का शीट मास्क आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नैपकिन पेपर, टिश्यू पेपर ले सकते हैं, और इसे भी हम 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पर रखेंगे, और आफ्टर 15 मिनट्स हम इसे रिमूव कर देंगे, और जो भी सीरम हमारे फेस पर लगा हुआ है उसे हम जेंटली मसाज देंगे। और तब तक मसाज देना है जब तक ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए, और इसके बाद हमें फेस वॉश नहीं करना है। ओनली एक्स्ट्रा ऑयल को आपको एक टाल की हेल्प से रिमूव कर देना है, और फिर आप देख सकते हैं ग्लो, कितना नेचुरल ग्लो आ गया है आपकी फेस पर, आपकी स्किन कितनी हेल्दी नज़र आने लगती है, आप देख सकते हैं कितनी यूथफुल नज़र आने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिएगा हिट, जैसे सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिल पाए और आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख पाएँ। और मेरे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आपको जाना होगा #तुलसी शर्मा पर। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे मेरे मोर वीडियोज़ में, तो आप मेरे और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।